बोले छा, आज क्या प्रोग्राम है? पिछले वर्ष सूरीपुर तीर्थ पे नए मंदिर का निर्माण हुआ था और उसका जो है विधि विधान से कार्यक्रम संपन्न हुआ था। आज दो दिवसीय उसकी वार्षिक ध्वजा का कार्यक्रम है, उसकी शुरुआत हुई है। आज मंदिर जी में 18 अभिषेक पूजा है और इसका बड़ा महत्व माना जाता है कि एक वर्ष में जितने भी मंदिर में दोष हुए हों उन सबकी शुद्धि के लिए पूजा कराई जाती है। और नई भोजनशाला धर्मशाला के लिए आज भूमि पूजन हुआ है। जब हम अगले साल इसी अवसर पर दोबारा आएंगे तो हम यहाँ पर एक नई धर्मशाला और नई भोजनशाला पाएंगे जो तीर्थ यात्रियों को बहुत जो है उनके तीर्थ स्थान पर दर्शन को बहुत सुगम और सरल बनाएगी और उनको सुविधाएँ मिलेंगी। और कल मंदिर जी में वार्षिक ध्वजा चढ़ाई जाएगी और उस सत्रवेदी पूजा पढ़ाई जाएगी और नई जो हमारा गेस्ट हाउस बना है नाकोड़ा तीर्थ के सहयोग से कल उसका उद्घाटन होगा और दोपहर बाद इस सब कार्यक्रम का समापन होगा। धन्यवाद। क्या कार्यक्रम थोड़ा सा बता दें जी, क्या कार्यक्रम है ये आज का? आज ये भगवान के अभिषेक होते हैं, 18 अभिषेक होते हैं प्रभु जी के, तो कोई भी दोष हो निकल जाता है। और कल फिर यहाँ ध्वजा चढ़ेगी, ये पहली ध्वजा है मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद की, उसका बहुत महत्व होता है। और सब कल तो और भी सब आएंगे, समाज का पूरा जाएंगे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम श्रेयक अरिण भाई मेरा नाम है। कहाँ से आया? मैं अहमदाबाद से आया हूँ। ये कल्पेश भाई शाह है, वो भी अहमदाबाद से आए। हम कल्पेश भाई शाह को तो हम एक साल पहले से जानते हैं, उनका सक्रिय कार्यक्रम हुआ था। कल्पेश भाई शाह सर, आप भी कुछ कहना चाहोगे? हो गया है, सब हो गया। ठीक है भाई साहब। हेलो, Thank you.
धनबाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।